हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के मशीन के दूसरे ऑनलाइन क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर डीसी जनरेटर के बारे में। सबसे पहले हम किसी भी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो माइंड में ये आना चाहिए कि ये दिखता कैसा है, मतलब कि हमने कभी इस मशीन को कहीं देखा है। अगर हाँ तो वो कैसा दिखता है, अगर नहीं तो वो कैसा दिखता होगा। तो कुछ स्ट्रक्चरल मशीन का पिक्चोरियल डायग्राम है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। दूसरा ये, इसको तो आपने देखा ही होगा, किसी भी समारोह पे आप जाते हो या अपने इर्द गिर्द जहाँ भी कोई फंक्शन होता है तो ये लगा होता है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा अपने लेबोरेटरीज में, या तो कॉलेज में, स्कूल में, ये तो आपने देखा ही होगा। अभी का नया डिजिटल मोड में ये जनरेटर आ रहा है और ये भी आपने देखा होगा। तो ये सब जितना भी स्ट्रक्चर था ये आप फिर से रिज्यूम करके देख सकते हैं बैक जाकर इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं इसके इस इंफॉर्मेशनल पार्ट की तरफ, जहाँ हम लोग जानेंगे कौन कौन सा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यानी कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे थ्योरी के बेस पे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशंस, यानी कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है डीसी जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर आखिर होता क्या है ये जनरेटर। तो जनरेटर, अगर हम इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, जनरेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल के एक एनर्जी सोर्स को जनरेट करने में हेल्प करता है, ये ऐसा मशीन होता है। तो वो कैसे करता है, ये कन्वर्ट करता है। सपोज एक जनरेटर है यहाँ पर, ये जनरेटर है मान लिया स्ट्रक्चर में, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक एनर्जी सोर्स को दूसरे एनर्जी सोर्स में। तो वो कैसे करता है, वो अपना मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो अभी हम लोग सीखेंगे भी आगे। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग अभी इतना याद रखते हैं कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, तो वो होता है हमारा जनरेटर। The device which converts the mechanical energy into electrical energy is called generator. तो ये इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग जनरेटर के बारे में जानते हैं तो कितने प्रकार का होता है या कितना टाइप्स का होता है ये भी हम लोग सीख सकते हैं या जान सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है, आप इस PDF को भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये PDF नहीं है तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें, अदरवाइज़ ये PDF आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसी को ज़रूरत है तो मैं उसको किसी भी माध्यम से सेंड कर दूंगा, या WhatsApp या तो मेल के माध्यम से। तो DC जनरेटर एक होता है और एक होता है AC जनरेटर। तो नाम से ही हमें पता चलता है कि DC जनरेटर क्या होगा और AC जनरेटर क्या होगा। इलेक्ट्रिकल के DC सोर्स को जनरेट करना जिस मशीन का काम होता है वो DC जनरेटर कहलाता है, और AC फॉर्म में जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल को वो AC जनरेटर होता है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, द जनरेटर विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इंटू DC फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसका मेन पार्ट क्या हो गया, ये DC फॉर्म में इसको इलेक्ट्रिकल का चेंज किया है, तो ये DC जनरेटर हो गया। अगर AC जनरेटर की बात करें तो द जनरेटर विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इंटू AC फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये AC फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, AC जनरेटर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे चलेंगे कि ये दोनों जनरेटर जो होता है वर्क्स करता है कोई प्रिंसिपल पे, और उस प्रिंसिपल का नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि DC जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है, वर्क करता है,
तो हम लोग एक ही लाइन पे आंसर दे सकते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो भी होता है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। अगर इस बात को आप लोग जान गए हैं तो हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे इसके, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल्स। तो अब हमारी बात हो गई यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहे होंगे कि फेराडे लॉ आखिर है क्या। तो इसको एक जेन्युइन यानी कि एक बेसिक्स का फंडामेंटल से मैं बताता हूँ आपको कि प्रिंसिपल ऑपरेशन जो भी है फेराडे एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जिन्होंने यह दिया 1831 में। मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि यह एक चुंबक है जिसका नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हैं। अगर ये कंटिन्यूअसली अपने एक्सिस पे कहीं भी फ्रीली रोटेट कर रहा हो और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में यानी कि जो भी इसका दायरा होता है जहाँ तक इसका अपना पावर होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में, उस फील्ड के बीचों बीच अगर कोई भी कंडक्टर पार्ट और या तो कॉइल पार्ट को हम लोग रखेंगे तो उसमें EMF इंड्यूस्ड होने लगता है। इसको और किसी आसान लैंग्वेज में अगर हम लोग जाने तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कॉयल या कंडक्टर को रखें तो उसमें एक EMF प्रोड्यूस हो जाता है और उसी EMF प्रोड्यूस्ड EMF को हम लोग कहीं और आउटपुट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक साधारण सा परिभाषा और समझने के लिए एक छोटा सा वैकल्पिक तौर है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर प्रिंसिपल ऑपरेशन आप लोगों को समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। अभी हम लोग एक फंडामेंटल व्यू से देखेंगे, इसके बाद फिर धीरे धीरे सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर डीसी जनरेटर का, उसमें कौन कौन सा पार्ट है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर जिसमें पहला नंबर में योक आता है, दूसरा पोल्स, तीसरा फील्ड वाइंडिंग, चौथा आर्मेचर, पांचवा कम्यूटेटर, ब्रशेस एंड गियर्स और छठा बियरिंग्स। अगर हम इस स्ट्रक्चर में सबको ढूंढें तो हमें मिल जाएगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ है। अभी हम धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे और ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं हम लोगों ने ऊपर से नीचे यानी छह पार्ट्स हम लोगों ने जो भी डिवाइड किया है इसके इसके बारे में भी जानेंगे कि किसके क्या वर्क्स हैं और ये हमारे मशीन्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस योक को हम लोग देखें तो जो भी बाहरी वातावरण से हमारी रक्षा करता है, जो भी बॉडी मटेरियल होता है उसे हम लोग योक कहते हैं। आते हैं हम एक्स्ट्रा पार्ट पे, तो हमें नेक्स्ट पे हमें पता चलेगा कि योक क्या होता है। योक की परिभाषा हम लोग इतना कह सकते हैं कि जो भी बाहरी फ्रेम होता है, जो बाहरी फ्रेम होता है उसे हम लोग योक कहते हैं। अगर हम इसे डेफिनेशन के माध्यम से पढ़ें तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है योक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेम। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द रोटेटिंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ मशीन्स फ्रॉम मॉइस्चर डस्ट इटीसी। यानी कि सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे पिक्चोरियल डायग्राम में कि योक मेरा एक फ्रेम है जो कि इसे बाहरी वातावरण में होने वाली अभिक्रिया या प्रतिक्रिया से अंदर के पार्ट्स को बचाता है।
योक इज एन आयरन बॉडी विच प्रोवाइड द पाथ फॉर फ्लक्स। जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं अंदर में, फ्लक्स या मैग्नेटिक रिलेशंस एंड रिएक्शंस, वो इसी योक के अंदर में होता है। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट फॉर पोल्स। योक मेरा जो करता है वो अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको एक सपोर्ट मिलता है इसके द्वारा, यानी कि इस पे कहीं ना कहीं फिक्स्ड किया जाता है नट और बोल्ट के द्वारा। मटेरियल यूज फॉर योग आर कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील, कास्ट स्टील, रोल्ड स्टील। अर्थात हम लोग जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं इसको बनाने में, या तो कास्ट आयरन यूज़ करते हैं, सिलिकॉन यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, कास्ट स्टील यूज़ करते हैं, या रोल्ड स्टील या अन्य प्रकार के कोई भी धातुओं का प्रयोग करते हैं। योक के ऊपर की बनावटी अगर हम लोग देखें बनावट, तो दो लिफ्टिंग आइज यानी कि यहाँ पे लगाए होते हैं जिसके सहारे हम लोग इसको उठाकर कहीं से पोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ होता है जिसके थ्रू हम लोग इसके अंदरूनी हिस्से में जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं या मशीन्स के जो भी पार्ट्स लगे होते हैं उसको टर्मिनल के द्वारा जोड़ा जा सके। तीसरा इसके लेग्स होते हैं जो कि एक आधार स्तंभ होता है इसे रखने के लिए और सेफ्टी पर्पस के लिए, और ये बीच में इसका पूरा फ्रेम भाग होता है। तो ये हो गई योक की बात, यानी कि योक क्या होता है। आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि पोल्स क्या होता है। अभी हम लोगों ने जो भी पार्ट्स ऊपर में देखे लिस्टिंग जनरेटर्स के पास पार्ट्स, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। अभी दूसरे नंबर पे आता है मेरा पोल्स। पोल्स का कार्य क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो इस लाइन को पढ़ते हैं, पोल्स प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड। जब इस पोल्स में मटेरियल यूज्ड फॉर पोल्स इज कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। पोल इज अ पार्ट ऑफ विच फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड ओवर, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का कॉयल इस पे लिपटा हुआ रहता है और ये पोल्स के थ्रू क्या होता है इसका फ्लक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। पोल्स को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करता है। हमारे जो भी मशीन्स रहते हैं पोल्स एक स्टैटिक पार्ट्स में बंधा हुआ रहता है जो कि योक के साथ फिक्स्ड रहेगा, और बीच में रोटेटिंग पार्ट को वो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्साइटेड करेगा। पोल्स मेरा कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लिपटा हुआ रहता है। इसी वाइंडिंग पे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह वर्क करके उस कॉइल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड या फ्लो होता है जिसके कारण वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो ये रही पोल्स की वर्क और पोल्स के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते हैं फील्ड वाइंडिंग क्या होता है जो कि पोल्स पे लिपटा हुआ रहता है, अभी हम लोगों ने देखा, तो उसके बारे में भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। फील्ड वाइंडिंग, द फील्ड वाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्साइटिंग वाइंडिंग। करंट इज पास्ड थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू मैग्नेटाइज द पोल। द मटेरियल यूज फॉर द फील्ड वाइंडिंग फील्ड कंडक्टर इज कॉपर। अगर हम लोग इस फिगर के द्वारा हम लोग इसको समझें तो ये पूरा एक पोल है जिसके ऊपर लिपटा हुआ जो कॉयल है ये वाइंडिंग कहलाता है। अगर फील्ड वाइंडिंग के बारे में हम जानें तो इस कॉयल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यानी फ्लो कराते हैं, तो ये कॉयल नुमा जो भी इस पे बंधा हुआ रहता है इस पे इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस होता है और उस पे फील्ड प्रोडक्ट होता है, और उसी प्रोड्यूस्ड फील्ड को पोल शू क्या करता है, उसको सप्लाई करता है मैग्नेटिक पोल के थ्रू। जो भी यह फील्ड का कंडक्टर रहता है वो कॉपर का बना होता है, ताकि उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में अधिक से अधिक सहायता करे। जो भी करंट इस पे पास करते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। यहाँ आप एरो के मदद से आप देख सकते हैं कि S1 से फ्लो कराया जा रहा है और S2 से फिर आउटपुट लिया जा रहा है, यानी कि इन और आउट दोनों आपका एरो शो कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाइंडिंग दो तरह का यहाँ पे दिखाया गया है, ए और बी सेक्शन में, जो कि एक सीरीज रूप में दिखाया गया है और दूसरा संट वाइंडिंग के रूप में दिखाया गया है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक मेरा जनरेटर फील्ड पोल हो गया। आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर क्या होता है? ऑल दी स्लॉट्स आर पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस। आर्मेचर कंडक्टर आर प्लेस्ड इन दीज स्लॉट्स। आर्मेचर कोर प्रोवाइड्स अ लो रिलक्टेंस पाथ टू द फ्लक्स प्रोड्यूसेस बाय द फील्ड वाइंडिंग। कास्ट स्टील और कास्ट आयरन आर यूज्ड फॉर द आर्मेचर कोर। अगर आर्मेचर कोर की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये स्लॉट्स क्या होता है, पैरेलल टू शाफ्ट एक्सिस रहता है और इसी स्लॉट्स को लेमिनेट करके यहाँ पे आर्मेचर बनाया जाता है। आर्मेचर कंडक्टर जो कि इस स्लॉट्स से प्लेस्ड रहता है, आर्मेचर प्रोवाइड करता है लो रिलक्टेंस पाथ टू द फ्लो प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड वाइंडिंग। यह लगभग कास्ट स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है। यहाँ हम लोग फिगर में देख सकते हैं लेमिनेशंस क्या होता है। इसके प्लेट्स, जो भी आप यहाँ पे सांचा देख रहे हैं, ये प्लेट्स नुमा सांचा होता है और ये प्लेट्स को एक दूसरे से जोड़ जोड़ कर लेमिनेट करके हम लोग को ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जहाँ पे बीच में एयर होल्स रहता है और यहाँ पे की वे रहता है जो कि शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। यहाँ हम लोग शाफ्ट देख रहे हैं और ठीक उसी प्रकार जैसा कि यहाँ इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि स्लॉट्स ये है, तो उसी स्लॉट्स को यहाँ पे दर्शाया गया है। लेमिनेशंस कोर जो यहाँ पे है उसी को यहाँ पे लेमिनेशंस को दर्शाया गया है, और ये मेरा कम्यूटेटर हो गया, ये मेरा शाफ्ट हो गया। कम्यूटेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग फिर आगे भी जानेंगे। तो ये क्या होता है, शाफ्ट के साथ ये अटैच्ड रहता है जो कि वाइंडिंग, और ये रोटेट करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं और आगे की जो भी जानकारी है आपको उसके बारे में बताते हैं। कम्यूटेटर, द कम्यूटेटर कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग EMF जनरेटेड इंटरनली इन अ DC वोल्टेज। इट कलेक्ट द करेंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर्स एंड पासेस इट टू द इंटरनल लोड वाया ब्रश। कम्यूटेटर के बारे में अगर हम लोग जानें तो कम्यूटेटर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग EMF को जनरली DC वोल्टेज में, जो कि हमारा कलेक्ट करता है करंट कहाँ से, आर्मेचर कंडक्टर जो कि पार्ज होता है इंटरनल लोड से, जो ब्रश के द्वारा इसमें कनेक्टेड होता है, और उसी से वो कम्यूटेटर सप्लाई लेता है और आउटपुट में देता है।
यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कम्यूटेटर का एक बनावट जो कि कवर सेगमेंट से ये इंसुलेटेड रहता है, बंधा हुआ रहता है, और कम्यूटेटर का लेग्स कहा जाता है इसको, और वही एक एंड क्लैंप होता है जो कि शाफ्ट्स के ब्रश में जो भी लगा होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, और वो क्या करता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेटेड को क्या करता है डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। रोटर पार्ट से हमें बस इतना ही समझ में आता है कि द रोटर इज द मूविंग पार्ट ऑफ अ डीसी जनरेटर, यानी कि जो मूव करता है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। द रोटर रोटेट्स बिकॉज द वायर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द मोटर आर अरेंज्ड सो दैट अ टॉर्क इज डेवलप्ड अबाउट द रोटर्स एक्सिस। अगर हम लोग इसको समझें तो रोटर पार्ट जो कि शाफ्ट के साथ बंधा हुआ रहता है, उसके साथ फिक्स्ड रहता है, अगर दोनों साइड से एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इधर से भी अगर एक पोल्स है, इधर से भी एक पोल्स है, अगर दोनों में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो ये क्या करता है, ये पोल्स मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है एक डायरेक्शन में, जिसके बीच में यह कंडक्टर पार्ट रखा हुआ रहता है, तो उसी के रिएक्शन से अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज वो क्या होता है, उसमें एक टॉर्क डेवलप होता है जो कि इस एक्सिस पे इसको रोटर को रोटेट कराने में मदद करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आर्मेचर कंडक्टर्स है और ये कॉपर सेगमेंट से कनेक्टेड है, ये माइका से बना हुआ रहता है जो कि इंसुलेशन के द्वारा इसको बनाया जाता है, और ये शाफ्ट है जिस पे ये सब फिक्स रहता है। तो ये हो गया रोटर पार्ट। वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एनिमेशन के द्वारा भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है। ज़्यादा इसमें आपको अगर कन्फ्यूज़न भी हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में एनिमेशन के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि बीच में मेरा एक रोटर पार्ट लगा हुआ है, दोनों साइड मेरे फिक्स्ड पोल्स लगे हुए हैं जो कि डिसाइड होते हैं नॉर्थ और साउथ में, और इसी नॉर्थ और साउथ जो कि दोनों को पोल्स को एक दूसरे से अपोजिट करता है, और वो सप्लाई जो भी फ्लक्स क्रिएट करता है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक पोल्स का प्रॉपर्टी कि वो अपोजिट पोल्स जहाँ भी रहता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और सेम पोल्स अगर रहेगा तो वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दिखाया गया है जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस्ड जो भी ईएमएफ होगा दोनों कॉइल्स पे वो नॉर्थ टू साउथ आएगा, और बीच में जो भी कंडक्टिव पार्ट है उसको वहाँ पे कट करेगा किसी एक्सिस से, और उसी एक्सिस से कट करने पे वो वहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा जिसके कारण ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रश के द्वारा इसको इसलिए यहाँ पे कनेक्ट किया गया है ताकि इस जो भी यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कम्यूटेटर के द्वारा वो फिर आउटपुट में वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये रही इसके वर्किंग प्रिंसिपल। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा भी जानेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, फिर अगला वीडियो में हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे भी अधिक से अधिक और अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।